So we just got some watermelon, rock melon, and pineapple, and we're just handing it away to everyone at the beach today. हर बंदा एक बोझ उठाई फिरता है. मैं ही चंगा मन समझाई फिरता. दिल तो लौन वालियां भी कुछ चीज़ा सन. भोला सब नो दिल ते लाई फिरता है. मैंने शीशा भी दिखाया भी कितना दा लग रहा. अच्छा दूसरी चीज़ तो मैं लगता डिफरेंट फ्रूट बनवाऊंगी लीना. लीना आ देख वाटर बाइक्स भी खड़िया ने इत्थे. वाटर च ले जा सकते हो बाइक्स नूं ना. सत श्री अकाल जी सारियां. की हाल चाल है तुहाडा. होपफुली लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे. मेरा तो लीना का अज बड़ा जी किया कि घूम के आईए. तो मैं पता लग्या कि इतने शिप आया हुआ है. चलो शिप देख के आईए. तो देखिए हम गर्मिया के दिन ने अपने इतने तो गर्मिया शिप आए इंटरनेशनल शिप्स जिदे बाहरों भी लोग आते हैं. तो काफ़ी बिजी हो जाता कई बार सीजन. ये फिर जिहड़ियां मेन इत्थे दियां माउंट दियां रोड्स ने वो भी ब्लॉक हो जांदियां ने. मतलब उत्थे तुसीं पार्किंग लभनी बहुत हार्ड हो जांदी है. जो कि मैनूं फिर भी लकली मैनूं नेड़े मिल गई. तो बहुत ही वधिया लगदा हुंदा शिप देखणे. लाइक ओवरसीज़ पीपल आउंदे आ ना. तो जिथे आउंदे आ हैगा माउंट मांगानुई शहर न्यूजीलैंड दे विच. उत्थे आउंदे ने ते इत्थे दी बीच बहुत मशहूर है. वर्ल्ड दी बेस्ट बीचेस दे विच आउंदी आ. ते तुसीं देख रहे होंगे मेरे पिछे खड़ा उत्थे शिप. तो आप दिखाने कि किमें लगता है. तो आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज वह एक सिस्टम है कि तुसी ओदे गो थ्रू होना पैंदा है. सो आप अंदर तो नहीं जाना क्यों आप कि हले कि ओवरसीज जा रहे हैं. पर आप दूरों खड़ के इंजॉय कर सकते हैं. और माहौल सारा आले दुआले बहुत वधिया लग रहा. लीना बहुत एक्साइटेड सी कि जाके शिप देखा ना. लीना चलना शिप च? हाँ जी. लेके जाइए लीना. हाँ जी ठीक है. नहीं वो बड़े शिप से नहीं, वो छोटे शिप. ओके ओके चलो ठीक है. हैं लो मैं थोनों दिखानी है कि कितना दा लगता है आ शिप दूरों. तो कितनी वधिया मतलब आले दुआले माहौल बनया हुआ है. तो नाल ही वैदर बहुत सोहना आ. बहुत सोहना क्लाउडी वैदर आ. सो ओबियसली जिहड़े विजिटर आए आ अपने न्यूजीलैंड दे विचों इंजॉय करनगे टाइम. तो उन्होंने लिए एक गुड मैमरी छड़ के जाऊगा. यह बाहर एक्टिविटीज़ चल रही हैं. बच्चों ने आह जेट स्की कर सकते हैं. जो कनोई बोटिंग हो रही है वो बच्चे पै के ज किसी भी तरह उसनों राइड कर सकते हैं ना. तो कि वधिया लग रहा. लाइक इदा ही आप भी किस फैमिली जब बच्चा बन जाइए तो बहुत सोहना इंजॉय कर सकते हैं. और टाइम जिद सोचिए घर बोर हो गए की करिए. लाइक जस्ट स्टार्ट कर देर होंगी है. तुम बाहर आओ कुछ करो है ना. घरों बहर जाओ या फिर घर के ही कोई यह प्रोजेक्ट छेड़ लो जो तुम लगता है काफ़ी टाइम हो गया छेड़े ही नहीं. जो तुम कर लग जाओ ना यू स्टार्ट इंजॉय है ना. तुम लाइक कर लग जाओगे. तो हौली हौली करते करते कहोगे एक जॉब भी डन होगी. तो ना ही मज़ा भी आया भी थोड़ा टाइम भी वधिया पास हो गया. एंड तुम मच हैप्पी भी होंगे उस चीज़ कर. सो एक बेस्ट वे हों मैं लगता कि तुम किस तरह अपना जोड़ा है टाइम यूटीलाइज कर सकते हो. तो कि खुश भी रह सकते हो. तो नाले बच्चों भी टाइम गुड स्पेंड होता. बच्चों इनवॉल्व करो. जिमें लीना बहुत हैल्पफुल है. लीना मेरी बहुत हैल्प कर देंगे. जो मैं इस तरह कई बार हों मैं भी ओके की करिए हूँ. फिर लीना पुछी दा या लीना ना लगी दा उस तो बाद अपना कोई ना कोई काम कर लभ लईदा. तो वह बेस्ट टाइम हों. अज तो सरप्राइज तो सरप्राइज़ मिल रहा है. इतने गेम्स चल रही ने बोट वाली गेम्स. क्योंकि अज मैं लगता टाइड्स ना समुद्र दहर बहुत छोटिया ने वो करके इन्हों पता हों भी इस दिन घट हो गया. उस दिन फिर यह कोई भी जोड़ा इन्हों का इदा इवेंट हों उदो करते ऑर्गेनाइज. तो कि वधिया लग रहा है. वाओ सारे किदा हर कोई अपने तरीके एडवेंचर कर लग्या होया. अपने तरीके इंजॉय करता आ. ये नाल नाल जिवें भी उन्हें वधिया लगता आ. एक सोहना माहौल क्रिएट हो जाता है. कितना वधिया सब हैप्पी होंदे आ. साडे वर्गे भी तुरे जांदे जांदे देख के हैप्पी हो गए. होर नहीं तां
ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀ ਨਾ, ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। So it's regarding to sell those fruit boxes. Hello. Which depends on the different sizes, right? Yes. Okay. Yeah. Yeah, your fruit is quite nice, quite fresh, tasty. Yes, very fresh. I tried some. Yeah, thank you. You're welcome. Thank you. So please visit a countdown if you like this fruit. You normally buy in countdown? ਸੋ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਰੂਟ ਬੋਕਸਿਸ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਕ ਸਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦ ਫ੍ਰੀ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਫੋਰ ਦ ਗਰਲਸ। ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲੀਨਾ ਦੀ। ਵੀ ਡੂ ਫਰੂਟਸ ਟੁਡੇ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਵਿਚ ਵਨ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਸੋ ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਸ। ਲੀਨਾ ਦਾ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੀਚ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਈ ਮਿਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖੇਲਣਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਫਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਆ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁੱਗੋ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫਰੂਟ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੂਟ ਬਣਵਾਊਗੀ ਲੀਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਵਾਓ ਚੈਰੀਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨੀਨਾ, ਜਾਓ ਫਨ ਕਰੋ। ਨੀਨਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈਫ ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਾਈਫ ਬੋਟ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਬੋਟਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਭੋਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਜਿਸਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਛਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਓ ਜੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮੀਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲੱਭ ਗਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੀਚ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬੀਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਸਰਗਮ ਨੇ, ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਾਊਲ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਸਟ ਪੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
लीना ते मैं बीच तो आ के हुण खाने बना रही सीगी। लंच टाइम च थोड़ी सब्जी तो पई सी पहले ही, काली दाल अपनी जिन्हें कहते मांह की दाल, तो वह असी कर लिया लंच। उस तो बाद मैं सोचा चलो डिनर की भी तैयारी कर दिनी, थोड़ा फूड बनाया वो तो डिनर भी अपना रेडी है। सो रेस्ट ऑफ द ईवनिंग हुण वधिया मनाई जाऊगी, मूवी मां भी देखूंगे। इस तरह बस सारा दिन अच्छ लंघ गया, बहुत वधिया लग्या आ, रिलैक्स भी हो गई हाँ, बच्चों का भी फंक्शन हो गया। अरमान ने भी घर इंजॉय किया, मम्मी डैडी घर से उन्होंने, अपनी गेम भी लगाया आ जाके अपने फ्रेंड के नाल, मैं तो लीना ने भी इंजॉय किया। रह गए मनप्रीत जी, देखते उन्होंने अच्छ की किया होगा, उन्होंने बेचारे ओबियसली कोई नॉर्मल रूटीन होगा। तो उन्होंने भी ए हों जिस दिन घर ने ना भी मैं भी हों जो बिच है ना वी लगता सारे कट्ठे हुईए, बड़ा वधिया डे रहा है। तो चलो इस दे नाल ही आप फिर अपना ब्लॉग फिनिश करते हैं, मिलते हैं थोड़ा नैक्सट ब्लॉग च। उद तक लिए सत श्रीकाल। बनाया है सोयाबीन के आलू की कढ़ी।